हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी। तो गाइज, आज है 23 फरवरी और 23 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं वो सभी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना। और जिसने हमारे चैनल गुरुकुल एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर उड़ीसा, यानी उड़ीसा के भुवनेश्वर के उड़ीसा में, यानी जो ए ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। तो चलिए इससे रिलेटेड हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर जान लेते हैं और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देखेंगे और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो 22 फरवरी 1 मार्च तक आयोजित होने वाले देश के प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन भुवनेश्वर यानी ओडिशा के भुवनेश्वर में किया जा रहा है। इस आयोजन में कुल 17 खेलों का संचालन किया जा रहा है और यह आयोजन राज्य और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को बेहतर खेल प्रतिस्पर्धा के प्रति समर्पण भावना से अवगत कराएगा और यह आयोजन युवा मामलात और खेल मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। और यहाँ पर बात की गई है उड़ीसा की, तो उड़ीसा के बारे में भी हम जान लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा में 30 जिले हैं और उड़ीसा का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। और उड़ीसा का उच्च न्यायालय है उड़ीसा उच्च न्यायालय। और जो हमारे खेल मंत्री हैं वो हैं किरण रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा सेंटर फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इन डाटा साइंस की स्थापना की जाएगी, मतलब कहाँ की जाएगी? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी पलक्कड़, यानी जो बी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। तो चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा आईआईटी पलक्कड़ को डाटा साइंस में एक अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है और इस सेंटर का नाम सेंटर फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इन डाटा साइंस रखा गया है। और यह अनुसंधान केंद्र राष्ट्र के नागरिकों का डाटा संग्रहण से संबंधित अनुसंधान कार्य का निष्पादन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार द्वारा किन किन प्रजातियों की मछलियों के प्रजनन केंद्रों को नष्ट करने का आदेश जारी किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थाई मांगुर, यानी जो सी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। तो आपको ये याद रखना है कि महाराष्ट्र सरकार ने थाई मांगुर प्रजातियों की मछलियों के प्रजनन केंद्र को नष्ट करने का आदेश जारी कर दिया है। तो इससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। 21 फरवरी 2020 को महाराष्ट्र सरकार द्वारा अस्वस्थ मछली पालन की परिस्थितियों के कारण थाई मांगुर मछली केंद्र को नष्ट करने का आदेश जारी किया है और वर्तमान में थाई मांगुर मछली पारिस्थितिकी तंत्र में अन्य मछलियों के लिए खतरा बन गई है। और वर्ष 2000 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने थाई मांगुर मछली केंद्रों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया था। और यहाँ पर बात की गई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बारे में भी हम जान लेते हैं। महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। राजधानी है मुंबई और ज़िले हैं 36 और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के द्वारा भोजन आपूर्ति के लिए भोजन खाद्य गृह पुरस्कार स्थापित किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन, यानी जो बी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। तो आपको ये याद रखना है कि स्वीडन के द्वारा हाल ही में भोजन खाद्य गृह पुरस्कार स्थापित किया गया। तो इससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में स्वीडन ने खाद्य गृह पुरस्कार स्थापित किया है और इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य आपूर्ति के प्रति जलवायु खतरों को संबोधित करना है। और वर्तमान समय में, और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि वर्तमान समय में विश्व की जो जनसंख्या है वो है 7.8 बिलियन
और एक अनुमान के अनुसार 2050 तक 10 बिलियन बढ़ने की संभावना है, जिसके कारण भोजन की बर्बादी को कम करने और खाने की आदतों को बदलने हेतु खाद्य ग्रह पुरस्कार स्थापित किया गया। और यह पुरस्कार का आयोजन स्वीडन देश ने करा है, तो स्वीडन के बारे में भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोल्म और राजा है कार्ल 16 गुस्ताफ और प्रधानमंत्री हैं स्टीफन लफवेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पक्षी को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने रेड लिस्ट में लुप्त प्रजातियों के तहत रखा गया है? लुप्त नहीं, यहाँ पर लुप्त होगा, लुप्त। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान, यानी जो ए ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि हाल ही में IUCN ने राजस्थान की लुप्त प्रजातियों के तहत राज्य के पक्षी को रेड लिस्ट में रखा है। तो इससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN ने राजस्थान के एशियाई हाथी, राजस्थान का राज्य पक्षी फ्लोरिकन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्त प्रजातियों के तहत रखा है। और एशियाई हाथी भारत में राष्ट्रीय विरासत के रूप में प्रसिद्ध है, जबकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बंगाल फ्लोरिकन स्थायी निवास नुकसान के कारण लुप्त प्रजाति के कारण सूची में है। और यहाँ पर बात की गई है राजस्थान की, जो कि ये सभी प्रजातियाँ राजस्थान से हैं, तो राजस्थान के बारे में भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और राजस्थान का गठन हुआ था 30 मार्च 1956 को। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और ज़िले हैं 33 और राजस्थान का उच्च न्यायालय है राजस्थान उच्च न्यायालय, जो कि जोधपुर में है। और यहाँ पर बात की गई है IUCN की, IUCN तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसकी स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 को, मुख्यालय है स्विट्जरलैंड ग्लैंड में और प्रमुख व्यक्ति हैं इसके जूलिया मार्टन लेफ्रेव और अशोक खोसला। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में किसे BCCI का लोकपाल नियुक्त किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, DK जैन, यानी जो डी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि जो DK जैन है, इनको उच्चतम न्यायालय ने BCCI का लोकपाल नियुक्त किया है। तो इससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय ने शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश DK जैन को भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया है और यह घोषणा न्यायमूर्ति SA बोबड़े और न्यायमूर्ति AM सप्रे की पीठ द्वारा घोषणा की गई। और यहाँ पर बात की गई है BCCI की, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1928 को और अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और सचिव हैं जैसा, जो अभी एक दो दिन पहले ही चुने गए हैं, जो मैंने अभी करंट अफेयर की वीडियो में भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक ने किस भारतीय बैंक के साथ मिलकर ग्रामीण महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान करने हेतु सामाजिक प्रभाव बॉन्ड शुरू करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लघु उद्योग विकास बैंक, यानी जो सी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। तो इससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने लघु उद्योग विकास बैंक यानी SIDBI और संयुक्त राष्ट्र महिला विशेष संस्था UN Women ने वित्तीय प्रबंधन फर्मों और प्रमुख कॉरपोरेट्स के साथ मिलकर ग्रामीण महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान करने हेतु सामाजिक प्रभाव बॉन्ड शुरू करने की घोषणा की है। और यहाँ पर बात की गई है लघु उद्योग विकास बैंक यानी SIDBI की, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। SIDBI यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक फॉर इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को और मुख्यालय है लखनऊ में और इसके चेयरमैन और MD हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। और यहाँ पर बात की गई है विश्व बैंक की भी, तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1945 को, मुख्यालय है Washington DC यानी USA में और वर्तमान अध्यक्ष हैं डेविड मालपास और CEO हैं क्रिस्टलीना जॉर्जिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस सरकारी अभियान की शुरुआत की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, यानी जो ए ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, यानी जो ए ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की शुरुआत की है और इसका उद्देश्य टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने के लिए देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने किस बैंक के रिकैपिटलाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा 9,086 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉरपोरेशन बैंक, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर है। तो इससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में चल रहे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी PCA के तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाले बैंक कॉरपोरेशन बैंक में सबसे ज़्यादा 9,086 करोड़ रुपए लगाएगी। और यहाँ पर बात की गई है कॉरपोरेशन बैंक की, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। कॉरपोरेशन बैंक की स्थापना हुई थी 12 मार्च 1906 को और वर्तमान अध्यक्ष हैं PV भारती और इसका मुख्यालय है मंगलोर यानी मंगलुरु में। और यहाँ पर RBI का भी जिक्र किया गया है, तो RBI के बारे में भी हम जान लेते हैं। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और राष्ट्रकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को, और अध्यक्ष हैं शक्तिकांत दास और मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर परियोजना से किस वर्ष तक रूफटॉप सोलर कार्यक्रम के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2022, यानी जो सी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। तो चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति ने 2022 तक रूफटॉप सोलर यानी RTS परियोजनाओं से 40,000 मेगावाट की संचयी क्षमता हासिल करने के लिए ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर कार्यक्रम के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान से नवाजा है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब, यानी जो ए ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। पाकिस्तान ने 2 दिवसीय यात्रा पर आए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान से नवाजा है। और ये जो पुरस्कार है निशाने पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने उन्हें दिया है। और यहाँ पर बात की गई है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के बारे में भी हम जान लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, और मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। और ये जो पुरस्कार दिया गया है ये सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को दिया गया है। तो यहाँ सऊदी अरब के बारे में भी हम जान लेते हैं। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, सलमान है खादिम अल अरिहरिमैन शरीफेन और मुद्रा है रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच रोजाना कच्चा तेल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका, यानी जो डी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। तो इससे रिलेटेड भी हम इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अमेरिका से रोजाना 60,000 बैरल कच्चा तेल खरीदने के लिए 10,715 करोड़ रुपए वार्षिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकी तेल खरीदने के लिए सरकारी क्षेत्र तेल कंपनी द्वारा किया गया यह पहला वार्षिक अनुबंध है। और यहाँ पर बात की गई है IOCL की, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं।
IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 30 जून 1959 यानी 1959 को, और मुख्यालय है नई दिल्ली में, और अध्यक्ष हैं संजीव सिंह। और यहाँ पर बात की गई है अमेरिका की, तो अमेरिका के बारे में भी हम जान लेते हैं। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने केंद्र सरकार को कितने हजार करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश देने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 28,000 करोड़ रुपए, यानी जो सी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। RBI ने केंद्र सरकार को 28,000 करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश देने की घोषणा की है। इससे पहले RBI ने मार्च 2018 में सरकार को 10,000 करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश दिया था, और यह लगातार दूसरा साल है जब वह सरकार को अंतरिम लाभांश देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA के लिए रूपरेखा समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 72वां देश बन गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना, यानी जो ए ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। तो चलिए इससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। अर्जेंटीना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 72वां देश बन गया है, और ISA सौर संसाधन संपन्न देशों का समूह है। ये जो ISA है ये सौर संसाधन संपन्न देशों का एक समूह है जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, और इस संगठन का उद्देश्य 2030 तक करीब 1,000 गीगावाट की सौर ऊर्जा मुहैया कराना है। और यहाँ पर बात की गई है ISA की, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को, मुख्यालय है गुरुग्राम में, और अध्यक्ष हैं RK सिंह, और सदस्य जो देश हैं इसके वो हैं 83 यानी 83। और यहाँ पर बात की गई है अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो है ब्यूनस आयर्स, राष्ट्रपति है मेरिसियो मैक्री और मुद्रा है पैसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने हाल ही में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए संयुक्त कार्य समूह गठित करने का फैसला किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोरक्को, यानी जो सी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। तो चलिए इससे रिलेटेड भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं। भारत और मोरक्को ने आतंकवाद से लड़ने के लिए संयुक्त कार्य समूह के गठन पर सहमति दे दी है, जिसमें सीमा पार से आतंकवाद, आतंकी वित्त पोषण और आतंकवादियों की भर्ती से निपटना है। और यहाँ पर बात की गई है मोरक्को की, तो मोरक्को के बारे में भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। मोरक्को की राजधानी है रबात, राजा है मोहम्मद 6वें और प्रधानमंत्री है सईद अदीन ओथमानी, और मुद्रा है मोरक्कन दिरहम। तो टोटल 15 क्वेश्चन थे जो कम्प्लीट हो चुके हैं। तो चलिए एक बार सभी क्वेश्चंस का हम रिविज़न कर लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा ओडिशा के भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा सेंटर फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इन डाटा साइंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो राइट आंसर है आपका IIT पलक्कड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार द्वारा किन किन प्रजातियों की मछलियों के प्रजनन केंद्रों को नष्ट करने का आदेश जारी किया है? तो राइट आंसर होगा आपका थाई मांगुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के द्वारा भोजन आपूर्ति के लिए भोजन खाद्य गृह पुरस्कार स्थापित किया गया? तो राइट आंसर होगा स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पक्षी को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने रेड लिस्ट में लुप्त प्रजातियों के तहत सूची में रखा है? तो राइट आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में किसे BCCI का लोकपाल नियुक्त किया है? तो राइट आंसर होगा DK जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक ने किस भारतीय बैंक के साथ मिलकर ग्रामीण महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान करने हेतु सामाजिक प्रभाव बॉन्ड शुरू करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा आपका लघु उद्योग विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस सरकारी अभियान की शुरुआत की है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने किस बैंक के रिकैपिटलाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा 9,086 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो राइट आंसर होगा आपका कॉरपोरेशन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर परियोजना से किस वर्ष तक रूफटॉप सोलर कार्यक्रम के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है? तो राइट आंसर होगा आपका वर्ष 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान से नवाजा है? तो राइट आंसर होगा आपका सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच रोजाना कच्चा तेल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो राइट आंसर होगा आपका अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने केंद्र सरकार को कितने हजार करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश देने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 28,000 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA के लिए रूपरेखा समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 72वां देश बन गया है? तो राइट आंसर होगा आपका अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने हाल ही में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए संयुक्त कार्य समूह गठित करने का फैसला किया है? तो राइट आंसर होगा आपका मोरक्को। तो टोटल जो 15 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। और आपके लिए होमवर्क है ये कि जो दुनिया का सबसे बड़ा जो स्टेडियम बन रहा है भारत में, वो कौन सी जगह बन रहा है और उसका नाम क्या है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में हमें शेयर करना है और इसका जो राइट आंसर है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज क्लास थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी उसके लिए सॉरी। तो क्लास कैसा लगा तो बताना ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में, ज़रूर बताना आज का क्लास कैसा लगा। और अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।